अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पर अपकमिंग वीडियो नहीं है भाई, ये है अनबॉक्सिंग वीडियो इन्फिनिक्स हॉट 20 आई की। ये न्यू मॉडल अचानक से इन्फिनिक्स की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है, कोई खबर नहीं थी भाई। यहाँ पर 4GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज है और प्राइसिंग रखी गई है 35,000 रुपये दोस्तों। 4GB 64GB की 3GB की एक्सटेंडेड रैम है। अब 35,000 की प्राइस में क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है, ये आपको टोटली रिव्यू लेके और साथ में हल्का सा कैमरा टेस्ट भी लेके ये आपको बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीटली देखिएगा भाई। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो इस न्यू अनबॉक्सिंग के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। तो यहाँ पर बगैर आपका टाइम जाया कि अनबॉक्सिंग की तरफ ले चलते हैं आपको, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है। यहाँ पर सामने की तरफ देखें, हॉट 20 आए ग्रीन ग्रीन सा बॉक्स है। सामने की तरफ 4+3 मतलब 7GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज, हीलियो G25 का प्रोसेसर। साइड में भी देख सकते हैं नाम वगैरह लिखा है। बैक पर सारी हाईलाइट्स को मेंशन कर दिया गया है, ये हाईलाइट्स आगे चल के आपको बता देते हैं भाई। और कलर हमारे पास भाई एनर्जी ग्रीन है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है लेकिन हाईलाइटिंग कलर जो है वो ग्रीन है। तो जैसे ही डब्बे को ओपन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले फ़ोन है, फ़ोन को साइड पर रखते हैं। उसके बाद ये एक हार्ड सा केस सामने मिल जाता है और ये डॉलर वगैरह मिल जाता है इन्फिनिक्स की तरफ से, मतलब कि ये इन्फिनिक्स का कार्ड वगैरह होता है। उसके बाद IMEI स्टिकर्स हैं और उसके बाद सिम डाटा टूल दे दिया गया है। यहाँ पर चार्जर जो है वो 10 वॉट का है, फास्ट चार्जर नहीं अवेलेबल इसमें। और उसके बाद चार्जिंग केबल जो है माइक्रो USB 2.0 है, टाइप सी की तकल्लुफ नहीं किया इस दफ़ा इन्फिनिक्स ने। तो ये अब हेडफोन्स भी नहीं दिए जाते इन्फिनिक्स के फ़ोन में। तो इसको समेट कर हम चलते हैं भाई फ़ोन की तरफ। तो जैसे ही हम फोन की तरफ आए, यहां पर अनरैप करते हुए फोन को, क्या बात है भाई, ये डिजाइन जो सामने आता है क्या बात है भाई, डिजाइन काफी कमाल का है, काफ़ी ज़्यादा उम्दा डिज़ाइन है। कैमरा मॉड्यूल काफ़ी बड़े बड़े दे दिए गए हैं। हॉट 20 सीरीज़ की अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह, अपकमिंग वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है, डिज़ाइनिंग वहाँ पर मैंने दिखाई है। लेकिन ओरिजिनल फ़ोन हमारे पास आया है, हॉट 20 आए, तो बैक पर आपको काफ़ी चेंज मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज आपको मिलता है। हॉट 20 आए छोटा भाई है सबसे, तो ओवरऑल बैक प्लास्टिक है, आपको प्लास्टिक मटेरियल है, फिंगरप्रिंट भी बैक पर है और ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल भी बैक साइड पर दिया गया है। यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल AI कैमरा बैक पर देखने को मिल जाता है। रिजल्ट वगैरह भी चेक करते हैं आगे चल के। और यहीं कहीं आपको 5000mAh की बैटरी भी इस फोन में दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, और ये फोन लश्कारे मारता हुआ, शाइनिंग मारता हुआ ग्रीन कलर में काफी ठीक लग रहा है। अब इस फोन में यहाँ पर राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक और लॉक वाला बटन, साइड पे वॉल्यूम की रॉकर से साथ में दिए गए, अप एंड डाउन और अप साइड बिल्कुल ही ब्लैंक मिलती है हमें, बिल्कुल खाली। लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है, यहाँ पर 3 स्लॉट दी गई है। डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दे दी गई है और सिंगल स्पीकर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन नहीं है। अब डिस्प्ले की तरफ आए तो सामने की तरफ भाई चमकता दमकता डिस्प्ले नॉच टेक्नोलॉजी वाला मिलता है आपको। यहाँ पर नॉच में जो कैमरा मिलता है वो है भाई 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ, यहाँ पर आपको एक नॉच टेक्नोलॉजी वाला IPS LCD वाला 6.6 इंचेस का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। HD+ की रेजोल्यूशन, कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं लगाया गया भाई, रिफ्रेश रेट लगाने की जरूरत थी इतनी प्राइस में, ये तो भाई सच्ची बात है, ये तो हम करेंगे। यहाँ पर आपको मोर इंप्रूवमेंट देखने की जरूरत है। लेकिन अगर बात की जाए सच्चाई की तो 4GB 64GB के ओप्पो के वीवो के फोन हैं वो आ रहे हैं 50,000 की प्राइस में, 4GB 64GB, थर्ड क्लास कैमरा, मतलब कि अगर उस हिसाब से यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो ठीक रखी गई है। अगर सिचुएशन की बात करें, है तो महंगे ही सारे फोन्स आ रहे हैं, इंपोर्ट की वजह से सब कुछ महंगा हुआ पड़ा है। ओवरऑल यहाँ पर डिस्प्ले वगैरह के आपको ब्राइटनेस वगैरह 500 निट्स मिल जाती है, डिस्प्ले ब्राइटनेस ठीक आपको देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल आप कह सकते हैं। ओवरऑल यूज़ करने में आपको ये फ़ोन जो है वो ठीक दिखाई देगा, फिलहाल हैंग की प्रॉब्लम नहीं मिल रही। और इसमें आपको सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 पर मिलेगा, यहाँ पर XOX 10.6 वर्जन देखने को मिल जाता है। मेन बात जो है दोस्तों, यहाँ पर जो यूजिंग में आपको दिक्कत नहीं करेगा, मतलब कि परेशानी का मामला अब तक फिलहाल नहीं है, मजीद कोई दिक्कत हुई तो हम रिव्यू में बता देंगे आपको। प्रोसेसर MediaTek Helio G25 है, गेमिंग चिपसेट बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए आपके लिए ठीक है, बाकी गेमिंग अगर करनी है आपको अलग से हम पबजी टेस्ट दिखाएंगे। अगर कोई हैंग की प्रॉब्लम, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बिल्कुल दिखाएंगे कि आपको ये फ़ोन
क्या गेमिंग के हिसाब से लेना चाहिए या नहीं ये बताएंगे, लेकिन गेमिंग चिपसेट गेमिंग फ़ोन आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं, ये सच्ची बात है दोस्तों, नॉर्मल यूज़ के लिए। अब अगर कैमरा की तरफ डायरेक्टली चलें तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, फोटो मोड, ब्यूटी मोड, एआर शॉट्स, यहाँ पर आपको एआर शॉट्स में पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, यहाँ पर वीडियो जो है 1080p में ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, मतलब कि ज़्यादा फैले हुए ऑप्शन नहीं है, स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिल जाता है, ये भी अच्छी बात है, काफ़ी फोन्स में नहीं अवेलेबल होता इतनी प्राइस में। अब लाइव फोटो लेते हैं, कुछ सैंपल्स भी शेयर करेंगे, तो लाइव फोटो में आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है आपको यहाँ पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने यहाँ पर रूम लाइट्स में ही फोटोज लिए, क्योंकि रात का वक्त है दोस्तों, वीडियो सुबह अपलोड होगी। यहाँ पर आपको ठीक ठाक नॉर्मल रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्राइस रेंज को अगर देखें दोस्तों तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, आप खुद ही जजमेंट कर सकते हैं प्राइस के हिसाब से, भाई मुझे तो सारे फोन ही महंगे लग रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट बैन हो चुकी है, तो उस हिसाब से रिजल्ट का जो फैसला है वो आपने करना है। मैं आपको वीडियो भी इस फोन की फ्रंट बैक से दिखा दूंगा वो भी, लेकिन आप नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं फ्रंट कैमरा का, बैक का, लेकिन आपको कंपैरिजन भी प्रोवाइड करेंगे आप, हम तो आप ज़्यादा अच्छे से फैसला कर सकते हैं। फोन के बैक कैमरा की वीडियो देख सकते हैं, लाइव वीडियो आप देखें, यहाँ पर लाइटिंग हमने ऑन की हुई है कमरे की ताकि आपको थोड़ी फीलिंग आए दिन की, लाइट बंद करके भी हम थोड़ी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पर आप देखें रिजल्ट वगैरह का मामला, ये देखें रिजल्ट कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, फोकस वगैरह, अब महंगा इतना फ़ोन है नहीं जो फोकस पे आप ध्यान दें। यहाँ पर देखें, अब हम लाइट करेंगे क्लोज, अब देखें वीडियो कैसी वीडियो आपको देखने को मिल रही है, ये देखें रिजल्ट वगैरह कुछ अच्छा, और माइक की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं भाई कि कैसी है माइक की क्वालिटी, आप यहाँ पर चेक करके हमें ज़रूर बताइएगा, और बिल्कुल ही अंधेरा है। यहाँ पर सिर्फ सॉफ्ट बॉक्स चल रहा है, और ये फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं रिजल्ट वगैरह, यहाँ पर देखें ये मैं कोने में आ गया हूँ और सॉफ्ट बॉक्स उस तरफ चल रहा है, मतलब कि मेरी तरफ लाइट भी नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट का मामला आप देखें, अब मैं लाइट ऑन करता हूँ तब आप रिजल्ट देखें, अब देखें रिजल्ट कैसा है। फ्रंट कैमरा काफ़ी बेहतर लग रहा है वैसे उस हिसाब से, 8 मेगापिक्सल कैमरा के हिसाब से, फैसला आपने करना है मजीद कि कैसी वीडियो आ रही है, कैसी नहीं आ रही, माइक की क्वालिटी भी कैसी आ रही है। अब भाई इस फोन की फाइनली 35,000 की प्राइस में ये फोन काबिले कबूल है या नहीं ये आपने देखना है, लेकिन अगर अदर कंपनीज को देखें, उन्होंने 3GB 32GB वाले 32-33 की प्राइस में किए हुए, रियलमी देखें, ओप्पो देखें, वीवो देखें, तो उनका भी अगर थोड़ा सा बेहतर भी हो लेकिन 15,000 रुपए का फर्क है। आप ये भी देखें लेकिन 4GB 64GB कोई भी फोन इतनी प्राइस में ओप्पो वीवो रियलमी की तरफ से नहीं दिया गया। अब अगर सिचुएशन का हिसाब देखें तो वैल्यू फॉर मनी इसे नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे फोन्स की तरफ देखकर आप कुछ फैसला कर पाएंगे, लेकिन हमारी जो राय है वो आपके मुताबिक होगी। क्या ये फोन आपको पसंद आया, कैमरा कैसा लगा, प्राइसिंग के हिसाब से कैसा लगा, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।